नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए आपके लिए शुरू करते हैं आज मैथ का पहला टॉपिक, जिसमें दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और ख़ासकर आने वाले एग्ज़ाम RRB JEE और LPCVT 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटेज रखने वाला है, जिसमें दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है मार्क प्राइस, क्या होता है डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, CP, कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। दोस्तों ये आपकी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद दोस्तों टर्म इंट्रोड्यूस होता है वो हमारा होता है SP, जिसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। फिर दोस्तों अगला टर्म होता है प्रॉफिट, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे लाभ। और दोस्तों अगला टर्म होता है हमारा लॉस, जिसको भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसकी मीनिंग होती है हानि। हम बात करते हैं ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों तो आप ये जानते हैं कि अगर आप कोई मार्कर 10 रुपये का मार्केट से ख़रीद कर ला रहे हैं, तो अगर आप खरीद कर लाए तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या बना दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। और आपने अगर इस मार्कर को बेचा किसी और को तो वो उसके आपके लिए क्या बना दोस्तों, सेलिंग प्राइस। मींस अगर आप 10 रुपये का इस मार्कर को ख़रीद कर लाते हैं तो इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 रुपये। और जब आप इसे किसी को बेचेंगे इस मार्कर को, तो आपने मान लीजिए 11 रुपये में बेचा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सेलिंग प्राइस। तो हम बात करते हैं छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, अगर आप लैंग्वेज को समझ गए मैथ में तो मैथ आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे दोस्तों। तो प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो प्रॉफिट लाभ कब होगा, जब आपने जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में बेचें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर हम लिखना चाहें प्रॉफिट बराबर यहां से, तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह अगर हम लॉस की बात करें, अगर हम यहीं पर देखें दूसरी टर्म को देखें, अगर हम मान लीजिए इसी मार्कर को अब खरीद कर ला रहे हैं 10 रुपये का, और हम बेच रहे हैं इसी मार्कर को दोस्तों 9 रुपये का, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, 1 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि हमने जितने में लाया उससे कम में बेचा, तो हमें यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, नुकसान हुआ। ये छोटे छोटे टर्म आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने में ईजी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों देखिए लॉस का परिभाषा यहाँ से क्या बन जाएगा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दोस्तों एक बात आती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस को करते हैं, हम बचपन से क्वेश्चन करते आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस के। हमने वही हमारा तरीका होता है कि फार्मूले को याद कर लें, लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर लाभ हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हम बचपन से इस चीज़ों को करते आ रहे हैं, तो पहले जो हमें कंसेप्ट बचपन से हमने पढ़े हैं उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपने लिए एक नोट पॉइंट लिखें। नोट पॉइंट क्या है, जैसे हमने फार्मूला लिखा, मान लीजिए हमने लिखा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और हम भी शुरू से ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर लॉस परसेंट निकालना है तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो
तो हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर दोस्तों कि हम हर जगह पर क्या ले रहे हैं, सीपी ले रहे हैं, हम हर जगह पर क्या ले रहे हैं, सीपी ले रहे हैं, क्योंकि हम जितने रुपए में चीज़ को खरीद कर लेकर आएंगे वही डिसाइड कर सकता है कि हमको उस वस्तु को बेचने पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आया कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है, लाभ और हानि होती है, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि होती है, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाती है दोस्तों, हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाती है दोस्तों, सीपी पे कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन तो दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य पे, जब तक कि हमारे क्वेश्चन ने हमसे ये ना कहा हो कि प्रॉफिट और लॉस आपका एसपी पे कैलकुलेट करना है। जब तक कि हमारे क्वेश्चन, अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट और लॉस एसपी पे कैलकुलेट करना है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आया है वो एसपी पे कैलकुलेट करके निकाला गया है। लेकिन क्वेश्चन हमारे साथ कभी कभी ट्रिक खेल जाता है, क्वेश्चन करता क्या है, प्रॉफिट और लॉस को एसपी पे कैलकुलेट कराता है और हमसे पूछ लेता है कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए इसका। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें सीपी का पता होना जरूरी होता है। जब भी हमको एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें सीपी का पता होना जरूरी होता है। इसको अब हम एक आगे क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे कि यहाँ पर लैंग्वेज क्या कह रही है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट। डिस्काउंट जो भी कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑलवेज मार्क प्राइस पे। ऑलवेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, मार्क प्राइस पे, या इसी को कुछ लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर हमारा प्रॉफिट लॉस का सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है तो हमने क्या लिखा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। उसी तरह अगर डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है दोस्तों, तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। इसके बाद जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, एक फार्मूला याद करते आ रहे हैं, तो उस फार्मूले कैसे निकाला जाता है हम आपको समझाते हैं। यदि यदि प्रॉफिट हमारा पी परसेंट हो तो एसपी कितना होगा, फाइंड करना है विक्रय मूल्य। यदि हमारा लाभ पी प्रतिशत हो तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सीपी लिया हमने, हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, उसके बाद प्रॉफिट हमारा परसेंट में निकल रहा है, 1% की वैल्यू होती है 100, तो हम लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एसपी। फिर यहाँ से अगर हम निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं सीपी इंटू 100 प्लस पी, परसेंट का मतलब होता है 1/100 अपान में 100 हम लिख दें दोस्तों, 100 इक्वल टू एस पी। तो यहाँ से अगर हम सी पी निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सी पी निकालने के लिए हम लिखेंगे दोस्तों, सी पी अगर हम निकालना चाहें तो हम लिखेंगे दोस्तों सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला दोस्तों हम क्या है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको याद करते थे, लेकिन आज आपने इस फार्मूले को निकालना भी सीख लिया। तो आइए आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए जो हमने टर्मिनोलॉजी समझाई है उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन लगाए जाते हैं या किस प्रकार से पेपर आपसे क्वेश्चन इन पे पूछता है। सबसे पहले लेकर आते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन, ये रहा। अब पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, दोस्तों आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दोनों लैंग्वेज में लिखे रहेंगे, इसलिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि आपको सभी टर्म इसके जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बताए जा रहे हैं, तो आप बस वीडियो को देखते रहिएगा और आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार LPCVT 1 में आए थे और CVT 2 में भी आने के चांसेज हैं। तो करने का तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं और इसको कंसेप्चुअल मेथड से लगाते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने की एक आसान सी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को यूं उड़ा देंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं हमने क्या सीखा, हमको यहाँ क्या गिवेन है। सेलिंग प्राइस हमको गिवेन है 630 रुपीज़, और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे। तो सेलिंग प्राइस हमको 630 रुपीज़ गिवेन है, और जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है हमको परसेंट में दिया हुआ है 12.5% का। तो अभी हमने निकालना सीखा कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हम अपना कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूले से अगर लगाना चाहें इस सवाल को, तो हम यूज करेंगे CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। अभी हमने इसको फार्मूले को निकाला था, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 630 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12.5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 112.5। फिर इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं, और इसको हम काट देते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, फिर ये कट गया, 25 चौका 100 40 हो गया। फिर 45 से इसको काट देते हैं दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 9 5 45, 9 7 63, 5 से काट देते हैं, 5 8 40, तो ये हमारा निकल करके आ गया 560 रुपीज़। अब दोस्तों आप चाहें तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तो सॉल्व करने की फर्स्ट विधि हो गई हमारी, कंसेप्चुअल मेथड हो गया। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से करना चाहें, एक सेकंड में इस सॉल्व करना चाहें, तो उसके लिए पहले थोड़ी सी चीज़ हम टर्मिनोलॉजी आपको बनाना चाहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सेकंड, अब दोस्तों हम जानते हैं 12.5%, 12.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 complete 1/2% लिख सकता हूँ दोस्तों। फिर इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 25/2%। फिर आप जानते हैं परसेंट का मीन्स क्या होता है, 1/100, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 25 divided by 2 into 100। फिर अगर इसको हम काटें तो 25 चौके 100, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 1/8। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब हमने परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, जब हमने परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, तो जो भी हमारा नीचे आता है, जो हमारी चीज़ नीचे आती है, वो हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू। हमारी जो नीचे चीज़ आती है वो हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू, जो हमको लैंग्वेज में दिया है। और ये जो ऊपर आता है, ये हम क्या निकाल रहे, किस चीज़ को तोड़े हैं, प्रॉफिट परसेंट को तोड़े हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, CP मीन्स यहाँ पर जो CP है, 8 रुपये का अगर कोई वस्तु है तो उस पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 12.5% पे बेचने पे 8 रुपये की CP का 1% पे प्रॉफिट हो रहा है। इसका हम बात करें अगर, तो हमें यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, अगर हम CP को मान लिया हमने क्या, 8, और प्रॉफिट क्या हो गया, 1, तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था, CP पूछा था, तो आप ध्यान दें अगर कि हमको जो SP की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 9630, और हमारे जो यूनिट निकल करके आई है वो कितनी निकल करके, दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा यूनिट लिखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आई हैं हमारी क्या होती हैं, यूनिट में होती हैं। तो SP हमारा यहाँ कितना निकल करके आया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 9 यूनिट। 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो एक्चुअल वैल्यू SP की दे रखी है, तो 9 यूनिट अगर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों 630 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 70 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 70 आ जाएगी, तो CP हमारा 8 यूनिट होता है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 into 70, 560 रुपीज़। तो देखिए आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर ले गए दोस्तों। यहाँ पर आपको अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम परसेंटेज में आपका और अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी प्रॉफिट लॉस की डिमांड थी तो हमने प्रॉफिट लॉस सबसे पहले स्टार्ट किया है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें आप और आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, फाइंड द CP ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 रुपीज़, 1470 रुपये एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 complete 2/3%। कह रहा है दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 1470 रुपये में बेचने पर 16 2/3% का लाभ होता है। अभी तक देखिए, हमेशा दोस्तों यहाँ पर ये कभी ये नहीं कह रहा है, चलिए उसको भाई अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आपको मिला 16 complete 2/3%, तो 16 complete 2/3% को सबसे पहले अभी हम पीछे जिस तरह से तोड़े थे उसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, 16 3 48 2 50 / 3%, परसेंट का मतलब जानते हैं 1/100, तो आप लिखेंगे 15/3,
300, इसी को आप लिख देंगे क्या 1/6। अब जैसे ही निकल करके आया, देखिए किस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, किस तरह से आप समझेंगे कि ये नीचे सीपी दिया हुआ है, ये ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए जिसे 1470 रुपये में बेचने पर 16 सहित 2/3% का लाभ प्राप्त होता है, तो अगर 6 का 16 सहित 2/3% निकालेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, 1। अगर ये 1 आया तो इसका मतलब 1 यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, आप हमेशा जानते हैं कि प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सीपी। जब तक कि क्वेश्चन में ये ना कहा गया हो कि प्रॉफिट हमारा एसपी पे कैलकुलेट किया गया है। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आगे आपको हम कराएंगे, तो अगर हम देखें हमारा सीपी कितनी यूनिट निकल करके आ गई, 6 यूनिट। सीपी हमारी कितनी यूनिट निकल करके आ गई दोस्तों, 6 यूनिट। और प्रॉफिट कितना निकल करके आ गया दोस्तों, 1 यूनिट। तो अगर हम निकालें यहाँ से हमारा एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 यूनिट। और क्वेश्चन में जाएं अगर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो सीपी दिया, सॉरी एसपी गिवन है, वो 1470 रुपये दिया हुआ है, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 1470 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 × 14 = 210 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 210 रुपये। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 210 रुपये हो गई, तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है दोस्तों, 6 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 210 = 0, 6, 1216 रुपीज़। या फिर आप फार्मूला भी यूज कर सकते थे, वही CP = SP × 100 / 100 प्रॉफिट। यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा, एसपी हमारा कितना गिवन है दोस्तों, × 100 / 100 + प्रॉफिट कितना दिया है, 100 + 50 / 3। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1470 × 100 × 3/350। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा टोटल 1216 रुपीज़। तो आप यहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये मेथड आपका बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये मेथड हर जगह अप्लाई होगा। पूरी मैथ में मैं आपको इस मेथड का यूज बताऊंगा, पूरी मैथ में। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए जो मैं इतनी देर से कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया। यहीं पर क्वेश्चन, यहीं पर एग्जामिनेशन, एग्जामिनर हमसे गेम खेलना चाहता है, लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ चुके होंगे कि आपके साथ किसी भी प्रकार की ट्रेजडी नहीं होगी आपके एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। लैंग्वेज, क्वेश्चन लैंग्वेज का खेल, लैंग्वेज आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे, क्वेश्चन करने में उतनी ही आसानी आपको होने वाली है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 × 2/3%। एक शॉपकीपर 16 × 2/3% पे एक आर्टिकल को बेचता है, और प्रॉफिट ऑन एसपी, एसपी किस पे कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों, प्रॉफिट, वो इस बार वो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। इस बार वो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। इस बार इसने क्या पूछ लिया, एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमने आपको शुरू में यही बेसिक समझाया था कि अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना हो, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता होना क्या है दोस्तों, ज़रूरी है। और हमने आपको ये भी यहीं पर बताया था कि अगर हमारा, जब तक क्वेश्चन हमको ये नहीं कह रहा कि इसको एसपी पे बेचा गया है, तब तक हम प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे, आइए इसको क्वेश्चन में और अच्छे से देखते हैं। तो वही करते हैं, इसको सेकंड विधि जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी उससे लगाते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 16 × 2/3%। अभी हमने पीछे निकालना सिखाया, इसको आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। उसके बाद इसको कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को हम ऐसे चुटकियों में फाइंड करेंगे, इसको भी आपको बताएंगे, और इसको आप याद भी, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी चीज़ें 1/6 में। अब दोस्तों हम अभी तक तो इसको एक्चुअल वैल्यू क्या मानते थे, इस एक्चुअल वैल्यू को हम सीपी मानते थे, लेकिन मानते थे जब उसको वो क्रय मूल्य पर बेचता था। लेकिन यहां पर उसने क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि दुकानदार विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे वस्तु को बेच रहा है, और उसको उतना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये जो प्रॉफिट हमारा 1 रुपये हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब वो इसको सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, मतलब 6 रुपये पे बेचने पे, 6 का 16 सहित 2/3% निकालने पे 1 आ रहा है।
सिक्स का 16 सही 2/3% निकालने पे एक आ रहा, मतलब यहाँ जो हमारा सिक्स है किसको डिनोट करेगा दोस्तों, एसपी को डिनोट करेगा। अगर ये हमारा एसपी को डिनोट कर रहा है और ये हमारा प्रॉफिट है तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस अधिक हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो यहाँ से हम अगर कॉस्ट प्राइस को निकालें तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, मतलब 6 - 1 = 5 यूनिट। 5 यूनिट आ गया दोस्तों। अब 5 यूनिट आ गया, अब हमको यहाँ पर दिया क्या हुआ है उसको हम देखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, हमसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। तो हमको सीपी मिल गया, हमको प्रॉफिट पता ही है, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, हमको प्रॉफिट पता है 1 यूनिट डिवाइड बाई सीपी हमारा निकल करके आ गया 5 यूनिट इनटू 100। आप देखेंगे यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, परसेंट आ गया कितना 20%। तो आपने देखा कि जब हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना था तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना जरूरी था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी था। जैसे हमको कॉस्ट प्राइस पता चला हमारा प्रॉफिट परसेंट ऑटोमेटिकली निकल करके आ गया यूनिट से। अगर आप इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली लगाएंगे तो आपको बहुत सी दिक्कत हो सकती है, आप लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आप इस तरह इस मेथड का यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को यूं लगा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने सेकंड में, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन मिला हमको कि दोस्तों ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन एसपी, ऑन एसपी ये लैंग्वेज देखनी है, 25% लॉस ऑन एसपी मतलब सेलिंग प्राइस पे बेचने पे उसको 25% का लॉस हो रहा। तो हमें यहाँ से पता चला कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, और बेच किस पे रहा, सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब जो एक्चुअल यहाँ पर चीज निकल कर कहेगी वो भाई क्या होगी, सेलिंग प्राइस, और लॉस हो रहा है इसका मतलब 4 का 25% निकालेंगे 1, मतलब लॉस कितने का हो रहा है 1 का। तो हमको यहाँ से लॉस भी पता चल गया, एसपी पता चल गया। अब एक्चुअल लॉस पूछ रहा है तो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल लॉस निकालने के लिए हमको सीपी का पता होना, सीपी का पता होना जरूरी है। तो हम लॉस बराबर क्या जानते हैं, लॉस इक्वल टू जानते हैं सीपी माइनस एसपी। यहाँ से सीपी हमारा निकल करके आ जाएगा लॉस प्लस एसपी इक्वल टू 1 + 4 = 5। अभी तो हम दोस्तों आपको समझा रहे हैं लेकिन आप एक चीज़ अपने दिमाग में आसानी समझ जाएंगे। जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था, अगर आप मार्कर के एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में देखते ही देखते क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 25% हानि एसपी पे, तुरंत आप कहेंगे कि 1/4, 4 = 5, 5 = 1 यूनिट लॉस है, 5 हमारा सीपी निकल करके आ गया, 1 लॉस है, 5 सीपी निकल करके आ गया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिए 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तुरंत आप ऐसे कर जाएंगे, लेकिन अभी आपको हम समझा रहे हैं तो हम आपको फार्मूला भी बता देते हैं। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। अब आप समझ गए होंगे सीपी और एसपी का खेल, कब सीपी लिया जाता है कब एसपी लिया जाता है। अब हम लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, फिर हम इस कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे, फिर आपके साथ मिलेंगे अगले कंसेप्ट में कि कैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं प्रॉफिट लॉस के। और अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, फिर इसमें क्या कह दिया इसने, एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, 8 * 1/3% अगर दिया है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रैक्शन में, 8 * 3 = 24 = 25/3, परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 * 4 = 100, 4 * 3 = 12, मतलब 1/12 फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है और प्रॉफिट इसका मतलब 1 हमारा दोस्तों क्या हो गया प्रॉफिट और 12 हमारा क्या हो गया दोस्तों एसपी। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, आपको मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद ही आप सोचिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब सीपी हमारा एसपी से कम होगा, तो कितना कम होगा, 12 में से 1 गए 11 यूनिट। देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर गए इस क्वेश्चन को। एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमें सीपी पता होना जरूरी था। फिर आप तुरंत क्या करेंगे, 1/11 × 100 आप इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, 11 * 9 = 99, 9 complete 1/11% और आप आंसर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में प्रॉफिट लॉस के।